गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी टू ऑल माय स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। इन द सीरीज ऑफ क्लासिफिकेशन यानी क्लासिफिकेशन की श्रृंखला में प्रोटोजोआ फाइलम का अपन सुपर क्लास थर्ड का और फोर्थ का सॉरी एक सब फाइलम सेकंड का वर्गीकरण करेंगे। प्रोटोजोआ का वर्गीकरण थोड़ा जटिल जरूर है लेकिन आप ध्यान से गौर से एक एक शब्दों के ऊपर एक एक वैज्ञानिक शब्द के ऊपर अगर थोड़ा सा भी हल्का सा भी समझने का प्रयास किया तो बड़ा आसान सा लगेगा। यहां आज के टॉपिक में कुछ टिपिकल वर्ड्स आएंगे, उन वर्ड्स के ऊपर थोड़ा ध्यान देना, बड़ी तीक्ष्ण दृष्टि से और साफ आवाज से आप सुनने का प्रयास करें, आपकी अवधारणाएं फंडा क्लियर हो जाएंगे या फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे। शुरुआत करते हैं। कल वाले वीडियो में अपन ने सब फाइलम सार्कोबैस्टिगोफोरा की दो सुपर क्लासेस के बारे में पढ़ चुके हैं। मैस्टिगोफोरिया था, ओपेलाइनेटा था। आज तीसरी सुपर क्लास लेते हैं सार्कोडिना या राइजोपोडा। यहां इससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि डबल डॉटेड सब फाइलम के लिए काम में लिया है, सिंगल डॉट मैंने सुपर क्लास के लिए काम में ली है, क्लास के लिए मैंने डबल राइट का निशान लगाया है, सब क्लास के लिए सिंगल राइट का निशान लगाया है। थोड़ा आपकी समझने की दृष्टि से मैंने इसका प्रयोग किया है। यहां फिर सब फाइलम हमारा डबल डॉटेड है, ये सब क्लासेज होगी, ये क्लास होगी, ये क्लास होगी, ये सिंगल वाली टोटल क्लासेज होगी और डबल वाली जो राइट के चिन्ह अंकित किए हैं वो सब क्लासेज होंगी। सुपर क्लास सार्कोडिना राइजोपोडा के करैक्टर्स लेते हैं। बॉडी मोस्टली एम्बॉयड विदाउट डेफिनेट पेलिकल। अमीबीय प्रकार की बॉडी होती है यानी कोई निश्चित आकृति नहीं होती और शरीर के चारों तरफ दृढ़ तंतुत्वक या पेलिकल जो थी यहां अनिश्चित होती है, अनुपस्थित होती है, लगभग अनुपस्थित होती है, कोई डेफिनेट पेलिकल प्रेजेंट नहीं होती। बट सम विद ए स्केलेटन ऑफ सम काइंड, लेकिन कुछ जंतुओं में किसी न किसी प्रकार का कंकाल पाया जा सकता है। सेकंड पॉइंट लेते हैं, लोकोमोशन बाय सुडोपोडिया। चलनांग क्या होंगे या चलन की क्रिया कूट पादाबों या सुडोपोडिया के द्वारा होगी। फ्लैजिला में भी प्रेजेंट इन डेवलपमेंटल स्टेजेज, परिवर्तनशील प्रावस्थाओं के अंदर फ्लैजिला पाए जा सकते हैं। नई चीज आई है यहां पर, परिवर्तनशील डेवलपमेंटल स्टेजेस के अंदर फ्लैजिला पाए जा सकते हैं जबकि लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स ऑलवेज सुडोपोडिया होंगे। थर्ड, न्यूट्रिशन होलोजोइक और सेप्रोजोइक। होलोजोइक यानी प्राणी संभोजी, प्राणियों को इंगल्फ करते हैं, इंजेस्ट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। सेप्रोजोइक का मतलब है डेड ऑर्गेनिक मैटर्स को फीड करने वाले जंतु, सेप्रोजोइक भी या मर्तोपजीवी बोलते हैं हिंदी में इनको। फोर्थ, फाउंड इन बोथ वाटर। बोथ वाटर का मतलब फ्रेश एंड मैराइन, स्वच्छ जल या अलवणीय और लवणीय दोनों जलों में, दोनों प्रकार के जल में पाए जाने वाले जंतु। मोस्टली सॉलिटरी, सामान्यतया नहीं अधिकांशतया, मोस्टली सॉलिटरी एंड फ्री स्विमिंग,
ये एकल होते हैं और स्वतंत्र प्लावी होते हैं, स्वतंत्र रूप से तैरने वाले जंतु। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फिशन, एलैंगिक जनन जो होगा वो द्विविखंडन द्वारा होगा, बाइनरी फिशन द्वारा संपन्न होगा। अब इस क्लास को, सुपर क्लास को तीन क्लासेज में डिवाइड किया गया है, यानी दिस सुपर क्लास इज डिविजिबल इनटू थ्री क्लासेज। दीज आर एज फॉलोइंग, क्लास फर्स्ट राइजोपोडिया, क्लास सेकंड एक्टिनोपोडिया, क्लास थर्ड पायरोप्लाज्मिया। पहले लेते हैं पहली क्लास, क्लास राइजोपोडिया। मैंने ग्रीक वर्ड और लैटिन वर्ड आपको कल वाले वीडियो में, कल जो व्याख्यान हुआ था उसमें आपको सभी बता दिए हैं। दोबारा मैं इनका प्रयोग नहीं करना चाहूंगा क्योंकि टॉपिक बहुत लंबा है, बहुत ही छोटे छोटे अक्षरों में अंकित करके मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, क्योंकि इसके क्लासिफिकेशन का एक वीडियो और बनेगा जो कल आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। राइजोपोडा, राइजोपोडिया क्लास के लक्षण देखिए आप। सुडोपोडिया एज लोबोपोडिया, जो कूट पादाब होते हैं, लॉब्ड होते हैं, लोबोपोडिया का मतलब लॉब्स पाए जाते हैं या पल्ली युक्त होते हैं। और नेक्स्ट है फिलोपोडिया, फिलोपोडिया का मतलब है कि जंतु की कोशिका के सरफेस से एक्टिन के बने हुए फिलामेंट्स जो होते हैं वो निकलते हैं, उनका झुंड निकलता है, बंडल्स निकलता है, बंडल्स निकलते हैं जो अंदर की ओर रेडिएटिंग होते हैं। इस प्रकार के सुडोपोडिया को फिलोपोडिया भी कहते हैं, या रेटिकुलोपोडिया। रेटिकुलोपोडिया का मतलब है इसमें अनियमित रूप से फाइबर्स का या फिलामेंट्स का नेटवर्क पाया जाता है, जाल पाया जाता है, जाल युक्त कूट पादाब भी बोलते हैं इनको। विदाउट एक्सियल फिलामेंट, लेकिन अक्षीय तंतु नहीं पाए जाते, अक्षीय फिलामेंट्स नहीं होंगे, यानी क्या बताया, सेल के सरफेस से अंदर की ओर निकलने वाले फिलामेंट्स जो एक्टिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। राइजोपोडिया क्लास इज डिविजिबल इनटू थ्री सब क्लासेज। इस क्लास को अपन तीन उपवर्गों में वर्गीकृत करेंगे। सब क्लास फर्स्ट आ रही है लोबोशिया। सुडोपोडिया इज लोबोपोडिया, सुडोपोडिया जो होंगे वो पाली युक्त होंगे यानी लोबो लॉब्स होंगे, इसलिए लोबोपोडिया कहते हैं। इनका मुख्य कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये एक ही है, दिस सब क्लास इज डिविजिबल इनटू टू ऑर्डर्स, अमोइबिडा, उदाहरण अमीबा या एंट अमीबा, और आर्सिलिनिडा, उदाहरण आर्सेला। यहां एग्जांपल दिया मैंने, फॉर एग्जांपल अमीबा, एंट अमीबा, ये तो आएंगे ऑर्डर अमोइबिडा में, और आर्सेला जो है वो आएगा आर्सिलिनिडा में, एटसेट्रा। सब क्लास सेकंड फिलोशिया, सुडोपोडिया एज फिलोपोडिया। अब फिलोपोडिया क्या होते हैं, फिलोपोडिया के बारे में अगर अध्ययन करना चाहे तो फिलोपोडिया क्या होंगे, फिलोपोडिया ये फेगोसाइटोसिस टाइप के लंबे और पतले सुडोपोडिया होते हैं जो माइक्रोट्यूब्यूल्स के द्वारा, सूक्ष्म नलिकाओं के द्वारा सपोर्टेड होते हैं और उनके चारों ओर साइटोप्लाज्म का बना हुआ एक इनवलप या केस पाया जाता है। नया पॉइंट आया है यहां पर, फिलोपोडिया। आगे लिखा है दूसरा पॉइंट, नेक्ट और विद ए शेल विद सिंगल अपर्चर, शरीर के चारों तरफ किसी प्रकार का कोई बाह्य कंकाल नहीं, या नेक्स्ट क्या लिखा है, या विद ए शेल एक कवच पाया जा सकता है
जिसमें एक सिंगल अपर्चर यानी एक छिद्र भी उपस्थित हो सकता है। उदाहरण के तौर पे फॉर एग्जाम्पल पेनार्डिया जो नेक्ट होते हैं, शरीर के चारों तरफ किसी भी प्रकार का एक्सोस्केलेटन नहीं पाया जाता एटसेट्रा। सब क्लास थर्ड ले रहे हैं ग्रेनुलो रेटिकुलोशिया सुडोपोडिया डेलिकेट होते हैं। ग्रेनुलर रेटिकुलोपोडिया यानी सुडोपोडिया डेलिकेट ग्रेनुलर रेटिकुलोपोडिया मुलायम लचीले डेलिकेट ग्रेनुल्स पाई जाती हैं और जाल युक्त होते हैं। अभी बताया मैंने रेटिकुलोपोडिया में नेटवर्क इरेगुलर फाइबर्स का नेटवर्क पाया जाता है। दिस सब क्लास हैविंग सिंगल ऑर्डर वो ऑर्डर होगा देखो फोरेमिनिफेरिडा। फॉर एग्जाम्पल पॉलिस्टोमेला जिसको एल्थिडियम भी कहते हैं एटसेट्रा। अब अपन क्लास लेते हैं सेकेंड एक्टिनोपोडिया। पहले क्लास पढ़ रहे थे राइजोपोडिया, क्लास थी तीन राइजोपोडिया एक्टिनोपोडिया और पायरोप्लाज्मिया। क्लास सेकेंड ले रहे हैं एक्टिनोपोडिया सुडोपोडिया मेनली एक्टोपोडिया विद एक्सियल फिलामेंट्स। ये देखो एक्जोपोडिया का मतलब क्या है, वही फेगोसाइटोसिस या फेगोसाइटिक नेचर के फिलामेंट्स द्वारा सपोर्टेड या माइक्रोट्यूबुल्स द्वारा सपोर्टेड होंगे और इन्वेलप्ड बाय साइटोप्लाज्म यानी साइटोप्लाज्म द्वारा घिरे हुए होंगे विद एक्सियल फिलामेंट्स रेडिएटिंग फ्रॉम ए स्फेरिकल बॉडी। इनमें पाए जाने वाले जंतुओं की आकृति स्फेरिकल या गोल होती है और उससे ये विकृत होते हैं फिलामेंट्स रेडिएट्स होते हैं। तो रेडिएटिंग फ्रॉम ए स्फेरिकल बॉडी गोलीय जंतु होने के कारण से। दिस क्लास इज डिविजिबल इंटू फोर सब क्लासेज। सब क्लास फर्स्ट इज हेलियोजोइया, सब क्लास सेकेंड इज रेडियोलेरिया, सब क्लास थर्ड इज एकेंथेरिया, सब क्लास फोर्थ इज प्रोटियोमाइक्सिडा। सब क्लास फर्स्ट ले रहे हैं हेलियोजोइया, बहुत इंपॉर्टेंट सब क्लास आ रही है। स्फेरिकल एनिमल्स कॉल्ड सन एनिमल क्यूल्स गोलीय जंतु होते हैं और इसीलिए इनको सूर्य जंतु कहा जाता है या सन एनिमल क्यूल्स कहा जाता है। एनिमल क्यूल का प्रयोग आपको पता है किसने प्रयोग किया था, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने प्रोटोजोआ समुदाय में पाए जाने वाले समस्त जंतुओं को एनिमल नाम में देकर के एनिमल क्यूल कहा था या एनिमल क्यूल्स कहा था। सुडोपोडिया रेडिएटिंग यानी एक्सोपोडिया प्रकार के होंगे जिसका वर्णन मैं आपको कर चुका हूं। नेक और स्केलेटन ऑफ सिलिसेस स्केल्स और स्पाइन्स या तो शरीर की चारों तरफ नेक यानी कि कोई बाह्य कंकाल नहीं होगा, अगर होगा तो किसका बना हुआ होगा, सिलिसेस स्केल्स का SiO2 सिलिका के बने हुए स्केल्स होंगे या स्पाइन्स होंगे उदाहरण एक्टिनोफिस एटसेट्रा। सब क्लास सेकंड लेते हैं रेडियोलेरिया, बॉडी नेक्ड और विद, थोड़ा ध्यान देना यहां पर, परफोरेटेड काइटिनोइड सेंट्रल कैप्सूल सेपरेटिंग एक्टोप्लाज्म फ्रॉम एंडोप्लाज्म यानी बॉडी नेक्ड होगी या तो बॉडी के शरीर के चारों तरफ बाह्य कंकाल एक्सोस्केलेटन अनुपस्थित होगा या क्या होगा, विद परफोरेटेड काइटिनोइड सेंट्रल कैप्सूल शरीर के अंदर केंद्रीय एक कैप्सूल नुमा संरचना होगी जो साइटोप्लाज्म में
साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले दो पार्ट जो होते हैं, बाहरी एक्टोप्लाज्म, अंदर वाला एंडोप्लाज्म, तो ये क्या करता है, एक्टोप्लाज्म को एंडोप्लाज्म से सेपरेट करने का कार्य करता है। इसका मतलब एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म के बीच में पाए जाने वाली एक कैप्सूल नुमा रचना जो काइटिनोइड होती है, काइटिन प्रोटीन की बनी हुई होती है। लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स, रेटिकुलोपोडिया, एक्जोपोडिया या फिलोपोडिया तीनों प्रकार के हो सकते हैं, जालयुक्त भी हो सकते हैं, अक्षीय पाद भी हो सकते हैं, और फिलपाद या फाइलोपोडिया जिसको कहते हैं वैसे भी हो सकते हैं। स्केलेटन मोस्टली ऑफ सिलिशियस स्पीक्यूल्स, सिलिका का बना हुआ जो स्केलेटन होगा उसको अपन सिलिशियस स्पीक्यूल्स, सिलिशियस प्रकार का कंकाल बोलते हैं, और कंटिकाएं पाई जाती हैं सिलिका की बनी हुई, इसलिए सिलिशियस स्पीक्यूल्स, या और ऑफ स्ट्रोंशियम सल्फेट, नई चीज आई है यहां पे, स्ट्रोंशियम सल्फेट का बना हुआ भी कंकाल पाया जा सकता है, फॉर एग्जाम्पल कोलोजोअम एटसेट्रा। सब क्लास सेकंड, एकेंथेरिया, सुडोपोडिया आर एक्जोपोडिया, कोमा, स्केलेटन ऑफ स्ट्रोंशियम सल्फेट, सेम वैसे आ रहा है जैसे रेडियोलेरिया में था। स्केलेटन किसका बना हुआ है, स्ट्रोंशियम सल्फेट का बना हुआ है, उदाहरण हो जाएगा एकेंथोमेट्रा एटसेट्रा। अब सब क्लास फोर्थ आ रही है, लास्ट और फोर्थ, प्रोटियोमिक्सिडा, सुडोपोडिया और फिलोपोडिया। सुडोपोडिया मुख्यतया फिलोपोडिया प्रकार के होंगे, फिलोपोडिया मैंने आपको बता दिया क्या होते हैं, सेल सरफेस से निकलने वाले एक्टिन के बने हुए फिलामेंट्स का बंडल्स अंदर की ओर, शरीर में अंदर की ओर फैले हुए या अंदर की ओर धसे हुए, इस प्रकार के सुडोपोडिया को फिलोपोडिया कहते हैं। मोस्टली पैरासाइट्स ऑन एल्गी, यानी पैरासाइट्स होते हैं लेकिन ये एल्गी के ऊपर, यानी ये प्लांट है एल्गी, इनके अंदर पाए जाने, इनके पैरासाइट के रूप में पाए जाने वाले जंतु, उदाहरण सुडोस्पोरा एटसेट्रा। क्लास थर्ड आ रही है माय डियर फ्रेंड्स, पायरोप्लाज्मिया। पहले क्लास कौन सी पढ़ चुके अपन, राइजोपोडिया पढ़ चुके, एक्टिनोपोडिया पढ़ चुके, क्लास थर्ड आ रही है पायरोप्लाज्मिया। इसका मतलब सुपर क्लास सार्कोडिना की तीसरी क्लास आ रही है, तो सुपर क्लास की ये अंतिम क्लास है। स्मॉल पैरासाइट्स इन रेड ब्लड कॉर्पसल्स या आरबीसी ऑफ वर्टिब्रेट्स, आरबीसी की फुल फॉर्म अगर करते हैं तो कॉर्पसल्स, कणिकाएं जो होती हैं, इनकी एग्जैक्ट स्पेलिंग अधिकांशतया बच्चे गलत लिखते हैं। कौन बनेगा करोड़पति में एक बार इसका एग्जैक्ट स्पेलिंग पूछी हुई गई थी कि आरबीसी की फुल फॉर्म बताइए, तो ये रेड ब्लड कॉर्पसल में देखिए CORPUSCLES आरबीसी ऑफ वर्टिब्रेट्स, यानी ये जो वर्टिब्रेट्स, यानी जैसे हायर वर्टिब्रेट्स में जैसे अपन लोग आते हैं या अन्य प्राणी अपने से मिलते जुलते हैं, पीसीज है, एम्फीबिया है, रेप्टिलिया है, एविज में पाए जाने वाले जंतु, उदाहरण होगा बबेशिया। बबेशिया को पहले स्पोरोजोआ के अंदर सम्मिलित करते थे लेकिन लैंगिक प्रावस्था के पश्चात बीजाणुओं का निर्माण न होने के कारण से वहां से हटा करके यहां रख दिया गया है। ब्रैकेट में मैंने आपको समझाया भी है, फॉर्मरली इंक्लूडेड इन स्पोरोजोआ बट इट्स स्पीसीज डू नॉट प्रोड्यूस स्पोर्स, यानी इनकी जो जातियां पाई जाती हैं बबेशिया नाम के जंतु की, इनकी जातियां स्पोर फॉर्मेशन नहीं
बीजाणुओं का निर्माण न करने के कारण से इसको यहां रख दिया गया, वहां से हटा लिया गया है। सेकंड सब फाइलम आ रहा है स्पोरोजोआ, ग्रीक वर्ड स्पोरोज मीन्स स्पोर, जोइस मीन्स एनिमल, यानी ये दो ग्रीक शब्दों से बना हुआ शब्द है। स्पोरोज मीन्स स्पोर यानी बीजाणु, और जोइस मीन्स एनिमल ऐसे जंतु जिसमें बीजाणुओं का निर्माण होता है, उस उप समुदाय या सब फाइलम को स्पोरोजोआ बोलेंगे। करैक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ दिस सब फाइलम आर दीज, फर्स्ट लोकोमोटरी ऑर्गनल्स एब्सेंट होंगे, कारण कि ये सभी परजीवी होते हैं और परजीवियों को चलने की आवश्यकता नहीं हो, चाहे वो एक्टा पैरासाइट हो चाहे एंडा पैरासाइट हो, बाह्य परजीवी हो चाहे अंत परजीवी हो, क्योंकि भोजन को प्राप्त करने के लिए किया गया प्रयास ही तो चलन है। इनको तो भोजन रेडीमेड मिलता है, इनको तो स्पून फीडिंग हो रही है, अपने आप मिल रही है, या तो जंतु के बाहर से चूसता है या जंतु के अंदर रह करके भोजन प्राप्त कर लेता आराम से, इसलिए इनमें चलनांगों की आवश्यकता नहीं होती। सेकेंड पॉइंट, बॉडी कवर्ड बाई थिक पेलिकल। अब मोटी पेलिकल के द्वारा शरीर घिरा हुआ क्यों होता है ये देखिए। मान लो कोई एंडोपैरासाइट अपने एलिमेंट्री कैनाल के अंदर है और एलिमेंट्री कैनाल के दीवार में या एलिमेंट्री कैनाल के बाहर पाए जाने वाली जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं उनसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स सीक्रेट होते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम्स से इनकी बॉडी को गलने का खतरा होता है, इसलिए बॉडी के चारों तरफ इंसिस्टमेंट कर लेते हैं, ये मोटी कवच का या खोल का मोटी परत का निर्माण कर लेते हैं ताकि वो एंजाइम्स इनकी बॉडी वाल को डाइजेस्ट न कर सके या बॉडी को डाइजेस्ट न कर सके। थर्ड पॉइंट, दे आर एक्सक्लूसिवली पैरासाइट्स, और पैरासाइट्स में भी एंडो पैरासाइट्स होंगे, बॉडी के अंदर परजीवी जीवन व्यतीत करने वाले होंगे। न्यूट्रिशन सेप्रोजोइक होगा, डेड ऑर्गेनिक मैटर्स को फीड करने वाले होते हैं। यूजुअली स्पोर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, इसमें लैंगिक प्रावस्था के पश्चात सेक्सुअल फेज के पश्चात बीजाणुओं का निर्माण सदैव होगा। इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि इस अगर बीजाणुओं का निर्माण नहीं होगा तो स्पोरोजोआ में नहीं होगा, जैसे बबेशिया को हटा करके पायरोप्लाज्मिया में रख दिया। दिस सब फाइलम इज डिविजिबल इंटू थ्री क्लासेज, क्लासेज को डबल राइट के निशान से दिखाया है, ये देखिए आप, टीलोस्पोरिया, टॉक्सोप्लाज्मिया, हेप्लोस्पोरिया, डबल डॉट राइट के चिन्ह से।